अभी हम लोग निकल चुके हैं नेशनल के लिए, रेनबो कैन 18th रेनबो कैन नेशनल चैम्पियनशिप है देहरादून में, तो उसके लिए निकल चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने जो कैब बुक किया था वो कैब कैंसिल किया, फिर से बुक किया, फिर से कैंसिल किया, कम से कम 8-10 बार कैंसिल करने के बाद अब एक बोले हैं आ रहे हैं, तो जो दिखा रहा था 457 के आसपास में मतलब प्राइस दिखा रहा था, अभी वो 200 रुपया और ज़्यादा हाई हो गया। तो ये ओला उबर का है शेड्यूल करने का, कि इतना शेड्यूल कर लो आपको उस टाइम में मिल जाएगा, लेकिन वैसा कुछ होता नहीं है, बगैर ये लोग टाइम पास करते हैं। ऊपर से एक और प्रॉब्लम ये लोग ये बताते हैं, गाड़ी आएगा तो ये बोलेंगे कि एसी ख़राब है। अभी पहले से एक बंदा आ रहा है जो वो बोल रहा है कि एसी ख़राब है, तो भाई इतना इतना पैसा लोगे तो एसी ख़राब लेकर चलते क्यों हो, गाड़ी रखो घर में, फिर एसी नहीं लगाना चाहिए, क्या बोलेंगे, कोई मतलब ही नहीं बनता है। फाइनली कैब आ गया, बहुत मुश्किल के बाद, बहुत तकलीफ करने के बाद, 10 बजे का टाइम था, 10:30 बज गया, और मैं सोचा था सारे टीम से पहले मैं पहुँचूंगा, लगता है वो लोग ही पहले पहुँच जाएंगे और मेरा ही लेट होगा, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि उन लोगों से पहले पहुँच जाएँ। बहुत टाइम लग गया था ये बताओ आपका, 1 घंटा तो लगा, 1 घंटा 10:30 11:30 फिर भी लगता है 12 बजे तक शायद पहुंच जाए। 12 बजे मैंने बोला है सबको कि मैं 12 बजे तक पहुंच जाऊंगा, देखते हैं क्या होता है। अभी हम लोग आ गए हैं हावड़ा ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं, और अब हम लोग हावड़ा स्टेशन उतरने वाले हैं। लोग हावड़ा स्टेशन आ गए, अभी ट्रेन आने वाला है 11 नंबर पर। इधर कल्पना, राहुल, चलो चलो चलो। टी शर्ट तो अच्छा लग रहा है भाई, अच्छा लग रहा है, बट इतना खास नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, डिज़ाइन में लेकिन उल्टा कर दिया हो। ये नीचे से ऐसे रहना चाहिए था, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, पीछे दिखाइए, जो है सब ठीक है। तैयारी ठीक ठाक से हुआ, ये तुम्हारे हो चे भालो किचु हो तो एक मेडल लागे, ठीक है। अभी मैं पूछने के लिए आ रहा हूँ किसका किसका प्रैक्टिस अच्छा हुआ था, प्रैक्टिस भालो है चे होए नहीं, एटा टीमेर बाहर है टी शर्ट पोरे नहीं, आपका प्रैक्टिस अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। इधर भी कोई बच्चा है, हम बच्चे हैं ना, हमारा वीडियो लीजिए, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग कैसे सोए हैं बैठे हैं, इसको मत जान दीजिएगा, बड़ा मुस्कुरा रही हो तो। क्या कर रहे हो तुम लोग, अच्छा अभी आया है, अभी क्रॉस किया आसनसोल स्टेशन क्रॉस किया, 10 मिनट ट्रेन लेट चल रही है। ये रहा यहाँ का टी शर्ट, लेकिन आधा से पीछे गलती है इसमें, ये उल्टा कर दिया इन्होंने, और यहाँ का लोगो है जो आधे से बीसी लोगों के पास में लोगो ही उल्टा कर दिया गया, डब्ल्यू के था शायद, वो उनको पता नहीं होगा, लेकिन पता ए बी सी भी तो समझ में आ ही जाएगा, प्रिंटिंग करने वाले का मिस्टेक है। कौन जीत रहा है, अभी हो रहा है 12:15 और अभी हम पहुंच गए पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन, जिसका पहले नाम था मुगल सराय, लेकिन पैर में पेन रहने के कारण मैं सुबह से ट्राई कर रहा हूँ, मुझे नींद ही नहीं आ रहा है, और कभी ना कभी जब मेरा आँख लग रहा है तो मेरे पाँव में कोई ना कोई उंगली कर दे रहा है, मतलब जाकर उसमें धक्का मार दे रहा है, इस कारण से जो भी नींद आने वाला रह रहा है वो चला जा रहा है। अब देखते हैं कब तक मुझे नींद आता है, मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ, दिन में ट्राई किया हुआ नहीं, गर्मी लग रहा था, अभी
नींद आ भी रहा है तो कुछ लोग जगा दे रहे हैं। पहले दो घंटा पहले हम लोग जब आ रहे थे तो पहले जो ट्रेन चल रहा था उस वक्त ट्रेन आधा घंटा पहले ही स्टेशन पर पहुंचा दे रहा था। अभी दो घंटा ट्रेन लेट हो गया। अभी हम लोग जो 6 बजे पहुंचने वाले थे वो लग रहा है कि 8 बजा देगा और फिर होटल वगैरह में मिलना में प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि तो आश्रम है तो कहीं आश्रम बंद ना हो जाए वो एक टेंशन लगा हुआ। देखते हैं क्या होता है, मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर सर को कॉल करना पड़ेगा, अगर वो आ जाते हैं तो हो जाएगा। तोर घूम पूरा है नहीं अच्छे, नींद पूरा हुआ, नींद पूरा हुआ बच्चा, हाँ देख चुकी है कि कोर्ट से किससे बात कर रही हो, यूट्यूब चला रही है तो और क्यों अच्छे बाबा मेरे से नकी तो মুক্তা দেখে তো এরকম মনে হচ্ছে না না বলে না সবাই ঘুরে এসছে না এদিনই তো ভয় ভয় পাচ্ছে এখন কিসের देखते हैं वो थोड़ा आराम हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो बहुत परेशानी हो रहा था मुझे, अभी भी थोड़ा सा उसमें है लगा हुआ, पूरा फट के निकल जाता तो और अच्छा। आ जाओ इसकी मम्मी तो खो गई, मम्मी पापा कहाँ है, आ जाओ, हेलो पीछे लोग हैं, आ जाओ जल्दी। ए ले लो थोड़ा नेहा, अरे उधर से कूद काद के सब निकल रहे हैं, सर हमको भी ले लीजिए, बाल वाल ठीक। ये एक रूम है, ट्रिपल बेड रूम है, ये बेड तो ठीक ठाक ही बड़ा है और इस साइड में बाथरूम है, ये भी ठीक ठाक है। रूम में लाइट कम है इसलिए ऐसा शायद दिख रहा होगा। एक्चुअली प्रॉब्लम इस तरह से हुआ है कि मैं सबके लिए इसकी सबको कम खर्च में काम बन जाए इसलिए मैंने एक धर्मशाला था, जैन धर्मशाला, मैं वहाँ पर लेकर गया ताकि सब कोई आराम से उसमें रह सके और कम खर्च में हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर रूम नहीं था। अब वो लोग एक हॉल दे रहे थे जिसमें सब कोई रहना पसंद नहीं कर रहे थे तो फिर सबको इधर उधर घूमते घूमते एक रूम देखा, यहाँ पर 4-5 रूम लिए हैं तो अब यहाँ पर हम लोग आ गए। भले ही उससे जैन धर्मशाला थोड़ा सा कॉस्ट इसमें ज़्यादा पड़ा है, अब इस रूम का 800 रुपये पड़ रहा है और एक रूम है जो छोटा छोटा जो रूम है दो 500 रुपये करके पड़ रहा है और जो बड़े बड़े रूम हैं उसको 800 रुपये करके पड़ रहा है, लेकिन फिर भी किसी तरह से बड़ा मुश्किल के बाद 2.5-3 घंटे का सिर दर्द करने के बाद ये चीज़ हुआ। लेकिन अगर कोई एक आदमी हेड बनता है ना तो वो ठीक होता है, 4 लोग अगर हेड बनता है तब प्रॉब्लम है, सबकी इच्छा अगर पूरी करने जाएंगे तो बड़ा टाइम नष्ट होगा, तो ये इस कारण से फिर भी किसी तरह से सबको खुश रखना है तो रूम हो गया। अभी देखते हैं कल से क्या होता है। अभी राहुल खाना लाने गया है, दवाई लाने के लिए बोला, फ़ोन किया है बोला दवाई नहीं मिला है, खाना लेकर आता है, खाते हैं फिर रेस्ट लेंगे, कल का देखते हैं क्या होता है।